बस यही करना है। मतलब? मुश्किलें बिना बताए कभी भी सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। हमें अपनी जीवन की गति में उनके अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। सोच समझकर ध्यान से हर रुकावट को लांघना चाहिए ताकि हम अपने जीवन पथ पर बिना भटके आगे बढ़ते रहें। ईश्वर ने इसीलिए हमें बुद्धि दी है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी साई, लेकिन अपने भाई का क्या करूं? मैं चाहती हूं कि उसके सपने कभी ना टूटे, वो जो करना चाहता है कर सके। मुझे अशोक की बिल्कुल भी चिंता नहीं है सुमति, क्योंकि उसके पास इतना प्यार करने वाली बहन जो है, ये प्यार ही उसकी शक्ति बनेगा, उसे बल देता रहेगा। जब तक तुम उसकी रक्षा करोगी, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, और तुम्हारा ये प्यार ही तुम्हें हर मुश्किल से उभरने का रास्ता भी दिखाएगा। राम जी भला करें। आज से तुम पूरा दिन का अर्थ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खेत में काम करोगे। हरिओम। और तू रमा, आज से गाय का तबेला संभालेगी। सबका खाना हो जाए तो बर्तन मांजेगी और पूरे घर की साफ सफाई आज से तेरा काम होगा, समझी? और इस काम में कोई गलती ना हो तो तेरे लिए अच्छा होगा। घर में काम करने के लिए और लोग भी हैं, सारे काम इनसे करवाने का क्या मतलब है? हरिओम हरिओम। बहू, पहली बार मैं अपने बेटे की बात से सहमत हुआ हूं। तुम ठीक कह रहे हो केशव, जब इतने घर में नौकर हैं तो सारा काम केवल दो लोगों से करवाना अच्छी बात नहीं है। अरे घर के सारे नौकर कहां मर गए? आ जाओ। तुम सब लोग काम चोर हो, एक भी काम का आदमी नहीं है। चलो तुम लोगों के यहां से छुट्टी। सरकार, हमने तो सालों से आपकी सेवा की है। चुप! कुछ सेवा विवाह नहीं की है, मूर्ख बनाते रहे हो तुम लोग आज तक मुझे। अब
अरे जो काम दो लोग सहजता से कर सकते हैं उसके लिए तुम लोगों की क्या आवश्यकता है? कल आके अपना हिसाब कर लो, अभी दफा हो जाओ यहां से, चलो। अरे ओ, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं पिताजी। अब तू मुझे पाठ पढ़ाएगा सही गलत का केशव? इन नौकरों के तनख्वाह तू देता है? ये दो लोग तुम्हारे ऋणी हैं? लोगों के साथ इतना न्याय मत कीजिए पिताजी कि आगे चल के प्रायश्चित के लिए कोई गुंजाइश ही ना रहे। नेकी के रास्ते पर चलकर भी वसूली तो हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं यहां बात सिर्फ ऋण वसूली की नहीं है। केशव, हरिओम हरिओम। मेरी नेकी देखना चाहते हो ना तुम? देखो, मैं राघव और उसके परिवार का ऋण माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं उन्हें ऋण से मुक्त कर दूंगा, उनका घर भी उन्हें लौटा दूंगा, मेरा वचन है ये। लेकिन मेरी एक शर्त है। ऐसी शर्त? आज से राघव और उसका परिवार अपने मुंह पर उस फकीर का नाम तक नहीं लाएंगे। अगर वो सामने भी आ गया तो उसे अपमानित करके वहां से भगा देंगे, स्वीकार है? साई के लिए इतनी घृणा देख के मुझे आप पे अफसोस होता है। क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? ऋण से मुक्त होने के लिए मैं इनके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं, इतने ऋण के लिए क्या लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और उसके विरुद्ध जिसका पाखंड सबके सामने आ चुका है, ये लोग उसके भक्त है ना, इनका सब कुछ छीन गया है, तो उस फकीर ने इनके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। चमत्कार क्यों नहीं कर रहा है? धरती फटकर स्वर्ण कलश बाहर क्यों नहीं आ रहा है इन्हें ऋण से मुक्त करने के लिए? और मैं ऋण से मुक्त होने के लिए कोई उपाय बता रहा हूं तो मैं ही बुरा बन गया? अन्याय तो यह है। राघव, क्या मेरा प्रस्ताव तुम्हें स्वीकार है? अगर स्वीकार है तो अभी के अभी अपने परिवार को लेकर अपने घर जा सकते हो। राघव, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो अबोध सारा जीवन किसी के दास बनकर रहे? सोच लो, अंतिम अवसर है ये, सोच लो।
इसके पश्चात ये मत कहना कि कुलकर्णी सरकार ने दया नहीं दिखाई, नेकी नहीं है। ए, जो काम दिया है वो कर जा। बाबा, मैं आपके दफ्तर जा रहा हूँ आपका एक त्याग पत्र देने। आओ, एक आखिरी बार सोच लीजिए ना। सोच लिया है मैंने। इसका मतलब? लेकिन बाबा, कल तक तो आप शिरडी जाने की जिद कर रहे थे। जब शिरडी वाला मेरा काना यहीं आ रहा हो तो मैं शिरडी जाके क्या करूंगा? आपका काम हो गया साहब। नारायण, वासुदेव, एक मेज ले आओ। जी बाबा। आओ नारायण, यहां रख दो। बाबा, ये क्या है? देखती रहो बेटी। अचानक ये मूर्ति? क्योंकि ये मूर्ति साई ने ही दी है। साई का वास है इसमें, इसलिए यहां इसकी स्थापना करके घर भी शिरडी जैसा पवित्र हो जाएगा। और अब यहीं रहकर मैं भक्ति भी करूंगा और कर्तव्य का पालन भी करूंगा।
मुझे विश्वास था आप पर, आप मेरी बिनती जरूर सुनेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। भरमा मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी जिंदगी तो गोबर बनी चुकी थी, अब नसीब में भी गोबर उठाना आ गया है, और क्या सुनाना चाहते हैं आप? क्या हुआ बाबा? सरकार ने सारे नौकरों का काम हमारे सर डाल दिया है। सरकार की गुलामी कोई बुरी घटना नहीं है, जो घटी और टल जाए, ये तो वो मुसीबत है जो 7 पीढ़ियों तक नहीं जाती। आई बस, अब और कोई बहस नहीं चाहिए, मुझे तबेले की साफ सफाई करने जाना है। खती रमा, आई इतना चिढ़ क्यों जाती है? वो तुम्हारी तरह शांत क्यों नहीं रहती है? जितना वो खुद के लिए परेशान है, उससे कई ज्यादा परेशान वो हमारे लिए है। फिर भी ताई, चिंता तो आपको भी मेरी है, लेकिन आप किसी पर नहीं चिल्लाती, मुझे बिल्कुल आपके जैसा बनना है। नहीं यशो, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छा बनना है। मैंने सोचा था जब बड़ी हो जाऊंगी तो विद्यालय में पढ़ाऊंगी, अध्यापिका बनूंगी, लेकिन मेरा तो वो सपना पूरा नहीं हो पाया। पर जो तुमने सपना देखा है वकील बनने का, वो तुम जरूर पूरा करना। पक्का बनूंगा, और आपके लिए एक बड़ा सा घर भी बनवाऊंगा, जहां आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। अशोक, नहीं, उस मासूम की मेहनत, उसकी बहन के सपने साया नहीं हो सकते। पाठशाला का समय हो रहा है, तुम आ रहे हो ना? हाँ, क्या रहा है? जाओ। लेकिन मैं कैसे जाऊं ताई? क्यों क्यों नहीं आ सकते? सुमति ताई, आपको पता है अशोक हमारी कक्षा का सबसे तेज लड़का है, अगर ये नहीं आएगा तो अध्यापक जी भी पूछेंगे। लेकिन मेरे पास तख्ती नहीं है। मेरे पास है ना, हम एक में से बांट लेंगे, और मैं कल मेरे बाबा से तुम्हारे लिए नई तख्ती लाने को बोल दूंगा। अब तो चलो। ठीक है, मैं बस्ता लेकर आता हूँ। रुको, ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों वही नहीं? गुलामों को सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती बेटा, और इसे तो हमारी सेवा करनी है, यही तो इसकी जिंदगी है। वाइनी, इसकी पढ़ाई मत छुड़वाइए, वो वकील बनना चाहता है। इस किस्से का सारा काम मैं कर लूंगी, पर इसे पाठशाला जाने दीजिए। मैंने कहा ना, अशोक पाठशाला नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। चुप, ऐसे बात करते माँ से? हाँ, अब देख, तेरी इस बदतमीजी की सजा भी अशोक के बच्चे को ही मिलेगी।
तू जितनी बार इसके लिए अपनी आवाज उठाएगा ना, उतनी बार सजा इसे ही मिलेगी, समझे? देख कैसे। चल मेरे साथ। बदतमीज की इतनी हिम्मत, तो मैं तुझसे सेवा करा के रहूंगी, नहीं तो जाओ सबके सब जेल। हरिओम। क्या कोलाल मचा यहां? देखो ना ससुर जी, ये दोनों कैसे बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं सरकार, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अशोक कैसे का काम मैं कर लूंगी, आप में से किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पर अशोक को पढ़ने पाठशाला जाने दीजिए। अरे रे, इसे पढ़ना है? चल, सबसे पहले आज मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाता हूँ। बोल। भिखारियों को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं होता। बोल। चलो काम करो। नहीं सरकार, अशोक तो अभी बहुत छोटा है, वो क्या काम करेगा? इसे पढ़ने पाठशाला जाने दीजिए। एक शब्द नहीं बोलेंगे तो आप मेरी बहू ने जो कहा है ना, उसे धमकी मत समझना, वो मैं सच करके दिखा सकता हूं। यदि तुम लोगों को जेल नहीं जाना है तो तुरंत काम पे लग जाओ। चलो। बढ़िया ही है भाई को सिखाने वाली। ताई। भिक्षाम देही। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूं। रंभा, आज मुझे भिक्षा में अनाज नहीं, दूध चाहिए। ठीक है साईं, अभी लाई। साईं, आज अचानक ये दूध किस लिए? किसी की जरूरत को पूरा करना है। तेरी महिमा मेरे साईं। चलता हूँ। कौन जान पाया, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, ओम। आई।
सुमति। मुझे माफ कर दे अशोक, तेरी भी पढ़ाई छूट गई और मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब तेरी भलाई इसी में है कि तू भी हालात से समझौता कर ले, भूल जा ये पढ़ाई वढ़ाई, भूल जा अपने सपनों को। नहीं आई, जितना समझौता करना था मैं कर चुकी। मेरा भाई समझौता नहीं करेगा, वो अपने सपने नहीं भूलेगा। हम ये सब बोलकर क्या फायदा है सुमति, तेरे बाबा ने हमें इस लायक छोड़ा ही कहा है कि हमारी कोई मर्जी हो। भले हमारे लिए अपनी इच्छा का कोई महत्व ना हो, लेकिन अशोक की इच्छाएं जरूर जिंदा रहेगी। हम जिंदा रखेंगे उन्हें और मैं उन्हें सच करवा के ही रहूंगी। सुमति, तूने भी सोचा था ना अध्यापिका बनने के बारे में, जिसके लिए तू बहुत आगे तक पढ़ना चाहती थी। मैंने भी तेरे लिए यही सपना देखा था, लेकिन जब खेत बिक गए तो मुझे मेरा ये सपना टूटता हुआ नजर आया। तब मैंने भी सोचा था मैं मेरे सपने को टूटने नहीं दूंगी, लेकिन पैसों की तंगी बढ़ती ही जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब हम तुम दोनों में से सिर्फ किसी एक को ही पढ़ा सकते थे, और उस वक्त तूने और तेरे बाबा ने अशोक को पढ़ाने के बारे में तय किया। वैसे ही आपके जो हालात है उसमें अशोक को अपने सपनों को छोड़ना ही पड़ेगा, यही हमारी हकीकत है। हम अपने लिए कुछ नहीं सोच सकते, हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। मैं मजबूर हूं बेटा, अशोक को पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी। नहीं आई, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। शांत हो जा, तू चिंता मत कर अशोक, मैं तेरी पढ़ाई पूरी करवा के ही रहूंगी। शायद कोई मेरा साथ ना दे। लेकिन कैसे सुमति, तू ये क्यों बोल रही है कि तू भी अब एक गुलाम है? वो मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि साईं मुझे रास्ता दिखाएंगे। उनके भक्तों को कोई परेशानी होती है तो समाधान भी वही देते हैं। साई, आज अचानक दूध किस लिए? तात्या, मैं तो बस मेरे कान्हा जी के आदेश का पालन कर रहा हूं। उन्होंने दूध, दही, मक्खन को लेकर कई सारी लीलाएं की हैं। लगता है आज उनके मन में फिर कोई लीला आई है जिससे वो किसी की मदद करना चाहते हैं। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.